कि मेरी माँ को मेरी बहनों को ये टॉर्चर करता था। कौन? यही मोहम्मद आरिफ, जिस जो ये हत्याकांड का जो ये चश्मदीद गवाह आप लोग देख रहे हैं, ये हमेशा आए दिन कहीं तलवार लेकर के कहीं चाकू लेकर के घर के अंदर कमरे में रखा रहता था। हमारी माँ ने कई बार कहा कि हमको पुलिस में FIR करने दो, एक अप्लीकेशन देने दो। ये इशरत भाई हैं, इनसे भी कई बार मेरी माँ ने कहा, लेकिन इशरत भाई ने कहा कि आप करिए, हम हैं आपके साथ में। लेकिन मेरी माँ वही माँ के लड़के के प्यार में 2-4-500 दे दे ठंडा हो जाए। हमेशा सब कुछ ने जो है घर के अंदर मारा पीटा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आज तो उसने हद ही खत्म कर दिया कि हम 12 बजे सो रहे थे। कोई वजह नहीं थी, 2 दिन पहले इसने छेड़खानी किया माँ से। हम तो रहते नहीं, हम तो बाहर चले जाते हैं। मेरी पत्नी ने से एक बार इसने झगड़ने की कोशिश किया था तो पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया था। ये लगा रोने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, मेरी क्या गलती, हमें नहीं चाहिए, हमें ये कमरा दे दीजिएगा। हमने कहा ऊपर वाला बन गया, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तुम बनवा लो, तुम ले लो, नहीं जाओ हमारे पास पैसा होगा हम बनवाएंगे, तुमको अपना कमरा दे देंगे, बात आएगी खत्म। चलता रहा। अब ये अंदर ही अंदर क्या प्लान करता था, इसकी बीवी नौशी ने खुद मेरी सास से बताया कि खाने में लैट्रिन का पानी मिला दे, अपनी बेटी का पेशाब मिला दे गेहूँ में, क्योंकि किचन खुला रहता था और किचन के अंदर ये जो है डाल देता। हम लोग इधर बेफिक्र रहते थे। ऐसा ये क्यों करते थे? दिमाग खराब था? दिमाग नहीं खराब है, ये जानबूझ के इसने जो है पूरा जायदाद की लड़ाई का मामला है। ये पूरा घर समझ गए, मेरे बाप को कहता था पेंशन दो, पेंशन में 5,000 रुपया हमको महीना दो, मेरी बीवी को खाना खिलाओ। यहाँ तक कि इसकी बीवी जिस दिन से आई है वो एक तलाकशुदा है, उसके बारे में मेरी माँ ने पता कर लिया था, लेकिन इस लड़के ने किसी को सुनने नहीं दिया। हम लोग को भी ले गया डरा धमका करके, हम लोग चले गए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, लेकिन ये जो है नहीं सुधरा। हमने इसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना, बस ये ऐसे ही चलता था, ये मन में इसी तरीके के ये जो है। घर में अंदर कितने लोग थे? घर में मेरी बहन थी जी नाहिद, और मेरे वालिद साहब थे, और मेरी माँ थी, छोटा भांजा था। ये लोग गए थे स्कूल, तकवा स्कूल में मेरे 2 बेटे हैं, दोनों गए थे स्कूल तीनों, और हम लोग अपना उसको स्कूल से भेजने के बाद सो रहे थे। ये हुआ कि अभी 12:30 तक आ जाएंगे तो फिर उठ करके इन लोगों के लिए। बस ये उसके आने से पहले ही, सारे बच्चों को आने से पहले ही इसने धीरे धीरे कमरे के अंदर सबसे पहले ताला लगाना चालू किया, गेट के अंदर से ताला लगाया ताकि सिटकरी ना बन पाए, उधर से बंद कर दिया। इसके साथ 2 लड़के थे जो कि चापड़ लेकर के हमला कर रहे थे। जब मेरी माँ बहन ने चिल्लाया भाई बचाओ भाई बचाओ भाई बचाओ, जब हम लोग बाहर आते तो उसने चापड़ से हमला करने की कोशिश किया मेरे ऊपर, मेरे बीवी को और मेरे बच्चों के ऊपर। जब उसने हमला करने की कोशिश किया तो इससे हाथापाई तो नहीं हो पाई, हम लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजे में सिटकनी नहीं लग पा रही थी, और बस ये जो है हम लोग खींच करके दरवाजा अंदर से बैठ गए। इसने बहुत कोशिश किया, फिर इसने सिलेंडर निकाली, सिलेंडर में आग लगाई। मेरी छोटी वाली बहन किचन में थी नौसिन, उसको इसने चापड़ से, वो नाहिद उसको इसने चापड़ से, जबकि वहाँ लाश पड़ी हुई है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी जान बचाने के लिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब देख रहे थे, लेकिन इसने पूरी प्री प्लान्ड वे में ये इसने काम किया है। मेरी माँ को इसने पहले ही मार डाला, पता नहीं कैसे मेरे वालिद साहब बचे हैं कि नहीं बचे हैं मुझे नहीं पता। मैंने अपने छोटे बेटे को अली को जाली से बाहर निकाला, हमने तो इन लोगों से भी कहा तुम लोग जाओ हम इससे लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने अब्बा 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 कह के मेरी माँ थी, एक लड़का अरमान था, मेरी बहन का मेरा भांजा पता नहीं कहाँ है बेचारा।